जो सुपरस्टार पहले एक दूसरे के साथ मिलकर फिल्मों में अभिनय करते थे, जो एक साथ फिल्मों के सेट पर हंसी मजाक करते थे, वही सुपरस्टार आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। दरअसल हम जिन सुपरस्टारों की बात कर रहे हैं उनका नाम खेसारी लाल यादव और पवन सिंह है। हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन दोनों सुपरस्टारों के बीच बीते कुछ दिनों पहले मनमुटाव चल रहा था और उनका ये मनमुटाव इतना बढ़ गया कि ये दोनों एक दूसरे को देखना तो दूर एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। हैरानी वाली बात तो यही कि इनकी दोस्ती में दूरियां पैदा करने के लिए भोजपुरी के एक गायक ने आग में घी का काम कर दिया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस गायक ने पहले तो खेसारी लाल को फोन किया और उसके बाद पवन सिंह को। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गायक ने खेसारी लाल के लिए जहां अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, वहीं उन्होंने पवन सिंह को फोन करके उन्हें अपनी बातों में फंसाया। पवन सिंह से हुई बातचीत के दौरान इस गायक ने पवन सिंह को बड़ा भाई कहते हुए उनसे अपनी बातों को शेयर किया। वहीं पवन सिंह ने इस गायक से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जब तक मौजूद हैं उस गायक को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुपरस्टार एक साथ फिल्म प्रतिज्ञा 2 में नजर आ रहे थे और उस वक्त दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती भी थी। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था, लेकिन जब से इन कलाकारों के बीच अनबन हुई है तब से उन्होंने फिल्मों में एक साथ अभिनय करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।